ये भाई इसमें वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं भाई, 385 लीटर का बूट स्पेस आता है इसमें। राम राम जी भाई, कैसे हो? सब आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए व्लॉग में। भाई आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए किया सोनेट, टॉप एंड मॉडल है पेट्रोल में। तो भाई शुरू करते हैं इसका रिव्यू। भाई ये कुछ चाबी आती है किया सोनेट टॉप मॉडल की, तो इसमें भाई फंक्शंस आ जाते हैं लॉक, अनलॉक, बूट ओपन करने के लिए, और ये भाई होल्ड है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और एसी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे गर्मियों में गाड़ी गर्म हो जाती है खड़े खड़े धूप में, तो भाई उसको पहले से ही गाड़ी को स्टार्ट कर दो तो एसी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा लो पे। तो भाई इसको हम चेक करके देखते हैं। पहले दो बार लॉक करनी होती है, फिर उसके बाद इसको दबा के रखेंगे। तो ये हो गई भाई गाड़ी स्टार्ट अपनी, और अगर ये हमें बंद करनी है तो भाई दोबारा से इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। ये हो गई भाई गाड़ी बंद। भाई गाड़ी की मैं बात करूँ फ्रंट से, इसमें यहाँ पे किया की बैजिंग आ जाती है। ये इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है, तो फ्रंट में यहाँ पे कैमरा प्लेस्ड है। बाकी भाई लाइटिंग सेटअप पूरा एलईडी है। ये भाई एलईडी लाइट्स आ जाती हैं इसमें। डीआरएल यहाँ से स्टार्ट होकर पूरी नीचे तक आती है यहाँ पे। फॉग लैंप्स इसमें यहाँ पे प्लेस्ड है भाई नीचे। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर हो गए भाई, 4 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं इसमें। बाकी अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो ये कुछ भाई गाड़ी का साइड प्रोफाइल है। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं भाई, टायर प्रोफाइल आती है इसमें 215/60R16 का टायर साइज आता है। ये भाई 360 डिग्री कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई है ORVM पे नीचे। ये भाई गाड़ी का डोर है, कीलेस एंट्री आती है इसमें। ये गाड़ी की भाई बैक प्रोफाइल हो गई। ये रियर वाइपर आ जाता है, डिफॉगर आ जाता है इसमें। ये किया की बैजिंग और कनेक्टेड टेल लाइट्स आती हैं इसमें एलईडी। ये भाई सोनेट की बैजिंग हो गई यहाँ पे। ये रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं 4 भाई। इसमें पार्किंग सेंसर आते हैं पीछे। तो भाई बूट ओपन करके देखते हैं इसका। कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई है चे। बूट ओपन करते हैं भाई। भाई 385 लीटर का बूट स्पेस आता है इसमें। बाकी ये अपनी किट आ जाती है किया की, और इसमें पुस्ट अपनी इसमें अलॉय व्हील नहीं मिलती, रिम मिलती है नॉर्मल। और भाई ये कुछ अपनी टूल किट आ जाती है, और स्टेपनी का साइज भी छोटा है, 195/65R15 है, एक साइज छोटा भाई स्टेपनी का। ये कर देते हैं बंद। यहाँ पे भाई सब वूफर आता है इसमें। ये बूट लैंप आ जाता है। ये रही अपनी पार्सल ट्रे, तो भाई बूट कर देते हैं बंद। ये कुछ भाई को पैसेंजर साइड का व्यू आ जाता है। ऊपर है भाई अपना शार्क फिन एंटीना। तो चलते हैं भाई गाड़ी में अंदर, और अंदर से देखते हैं भाई गाड़ी में क्या कुछ दिया हुआ है। काफ़ी सारे फंक्शंस है इसमें। ये भाई अपनी कीलेस एंट्री है यहाँ पे। तो गाड़ी करते हैं अनलॉक। ये भाई कुछ ड्राइवर साइड का डोर आ जाता है। ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई है। ये भाई सिल्वर डोर ओपनिंग हैंडल्स मिलते हैं ये लॉक अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे भाई पावर विंडो लॉक अनलॉक करने के लिए पावर विंडो के कंट्रोल्स हो गए। ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए ORVM के कंट्रोल्स हो गए, ORVM शट करने के लिए। यहाँ पे भाई सॉफ्ट टच मिलता है पूरा। ये भाई बोस का इसमें म्यूजिक सिस्टम मिलता है। यहाँ पे बोतल होल्डर है, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है आपको। ये है भाई पूरा ड्राइवर डोर। भाई ड्राइवर सीट इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है हमें। ये ड्राइवर सीट एडजस्ट करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए रिक्लाइन एंगल को, और ये सीट को आगे पीछे करने के लिए है। बाकी हाइट एडजस्टमेंट इसमें मैनुअली मिलती है। ये भाई इसमें वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं। बाकी अब मैं अंदर की बात करूं तो भाई यहाँ पे एसी वेंट्स की प्लेसमेंट हो गई। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है, ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए, पार्किंग के लिए, ये ऑटो ऑन ऑफ के लिए गाड़ी को, ये हेडलाइट की हाइट एडजस्ट करने के लिए आ जाता है भाई। चलते हैं गाड़ी में अंदर। ये भाई गाड़ी है, मैं सीट पीछे कर लेता हूँ एक बारी। तो ये भाई कुछ स्टीयरिंग व्हील आ जाता है इसका। ये किया का सिंबल आ जाता है इस पे, पोंपों वाला हॉर्न है। यहाँ पे भाई हेडलाइट के कंट्रोल्स आ जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलती हैं इसमें। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं। बाकी भाई ये टॉप एंड मॉडल है GT लाइन, तो इसमें पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं गियर अप डाउन करने के लिए। ये भाई आपके क्रूज़ कंट्रोल आ जाता है। यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये भाई म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए मिल जाता है यहाँ पे।
ये भाई 10 इंच की स्क्रीन मिल जाती है इसमें। IRVM की बात करते हैं तो भाई IRVM इसमें ऑटो डिमिंग मिलता है। ये भाई कुछ लाइट की प्लेसमेंट दी हुई है यहाँ पे, ये हेलोजन लाइट आती हैं इसमें, लेकिन भाई ये तो LED होनी चाहिए कम से कम, किया को इतना तो भाई ध्यान रखना चाहिए LED लाइट्स कम से कम होनी चाहिए इसमें, ये डोर पे करने के लिए। बाकी ये कुछ भाई सनरूफ आ जाती है गाड़ी में, ये ओपन करते हैं पहले भाई, गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। तो भाई गाड़ी कर ली स्टार्ट, ये भाई सनरूफ आ जाती है, सनरूफ हम ओपन करके देखते हैं। तो भाई सनरूफ का साइज ठीक है, काफ़ी बड़ा है, पैनोरामिक नहीं है लेकिन हाँ सनरूफ का साइज़ ठीक है, वन टच है भाई, एक बार टच करके बंद हो जाएगी अपने आप। ये भाई पैसेंजर साइड का डोर आ जाता है, पैसेंजर साइड का डोर सेम है बिल्कुल, ये यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है और ऊपर आपके सिल्वर एसेंट्स में मिल जाते हैं आपको डोर ओपन करने के लिए हैंडल्स पे। बाकी वहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट दी हुई है। ये भाई एसी वेंट हो गई सामने से, ये है कुछ भाई, ये ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ग्लव बॉक्स ठीक साइज़ का है, ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है बॉस का। बाकी इसमें म्यूज़िक सिस्टम मिलता है भाई, एम्बियंट लाइट्स मिलती हैं, ये जली हुई हैं यहाँ पे। ये भाई 10 इंच का म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है इसमें, बाकी कुछ सेटअप वगैरह करने के लिए तो यहाँ से आ जाता है। व्हीकल नेविगेशन, साउंड, डिवाइस कनेक्ट, यूज़र प्रोफाइल, वॉइस, जनरल किया कनेक्ट बटन, डिस्प्ले, बाकी भाई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसमें, रेडियो, नेविगेशन, मैप। बंद कर देते हैं भाई, FM कर देते हैं ऑफ। और भाई इसमें ना ये भी मिलते हैं SOS स्विच मिल जाता है गाड़ी टो करने के लिए, कुछ ये कुछ किया कनेक्ट का ऐप आती है किया कनेक्ट की, तो इससे गाड़ी को हम कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये भाई कुछ इसमें AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हज़ार्ड लैंप ऑन ऑफ करने के लिए, रियर डिफॉगर के लिए, फ्रंट डिफ्रॉस्ट करने के लिए, ये भाई हवा कहाँ पे चाहिए, अंदर की हवा चाहिए या बाहर की चाहिए कैबिन की, ये भाई AC ऑफ करने के लिए, ये आपका फैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, AC ऑन ऑफ करने के लिए, ऑटोमेटिक अगर AC करना है तो ऑटो पे करने के लिए, टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे भाई आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है पैसेंजर साइड के लिए और ये ड्राइवर साइड के लिए। ये भाई ट्रैक्शन के लिए है, ये ड्राइव मोड, अगर इसमें जैसे ड्राइव मोड हमें कौन कौन से चाहिए भाई, इसमें ड्राइव मोड आते हैं नॉर्मल चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए, इको चाहिए, कौन सा ड्राइव मोड चाहिए भाई यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भाई 360 डिग्री कैमरा ओपन हो जाता है, 360 डिग्री कैमरा हम यूज़ कर सकते हैं भाई इसमें। करूँ ये नीचे भाई, इसमें यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड आ जाता है, ये भाई टाइप सी चार्जिंग आ जाती है, यहाँ पे USB आ जाता है और ये आ जाता है भाई 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एक। अब ये भाई ऑटोमेटिक है तो ये इसका ऑटोमेटिक गियर लीवर आ जाता है, पार्किंग पे न्यूट्रल, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल, ड्राइव रिवर्स पे गया ना, ये चल गया भाई, ये कुछ कैमरा आता है इसका रिवर्स पे चल जाता है जो। तो भाई ड्राइव पे करके अगर जैसे हम इसके मोड सेलेक्ट करते हैं तो भाई ये कुछ मोड आते हैं इसमें। और ये भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो एक कलर भी चेंज होता है ना मोड्स के साथ साथ, इंस्ट्रूमेंट स्पोर्ट्स करने पे अलग हो जाता है, इकोनॉमी पे अलग हो जाता है, नॉर्मल पे अलग हो जाता है, तो भाई ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। बाकी भाई यहाँ पे दो कप होल्डर मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक हो गई अपनी, ये भाई आर्म रेस्ट मिल जाती है इसमें, आर्म रेस्ट के नीचे भाई स्टोरेज भी मिल जाता है इसमें, ये भाई की डेटा केबल वगैरह पड़ी हुई हैं। तो ये है भाई कुछ अंदर से इसका इंटीरियर, भाई काफ़ी प्यारी लगती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैं बात करूं तो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव मिलता है भाई, काफ़ी सारे इसमें फंक्शंस मिल जाते हैं आपको, ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, ये होल्ड ओके सेटिंग वगैरह कुछ भी करनी है इसमें, रिफ्यूल किस टाइम कराना है, कितने किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, कितने की माइलेज दे रही है भाई, ये सारी चीज़ें हैं भाई। स्टेयरिंग इसमें टिल्ट आता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता। बाकी चलते हैं अब बैक सीट पे, बैक सीट से देखते हैं भाई क्या व्यू है गाड़ी का, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं भाई बैक सीट पे, तो चलते हैं एक बारी बैक सीट पे। भाई ये कुछ बैक सीट आती है गाड़ी की, तो इसमें रियर ग्लासेस पे सनब्लाइंड मिल जाते हैं, ये बेस मॉडल से ही मिलते हैं भाई, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये है भाई, बाकी सिल्वर एसेंट्स मिल जाते हैं डोर ओपनिंग हैंडल्स पे, ये लॉक अनलॉक हो गया, ये पावर विंडो के कंट्रोल्स हो गए, बाकी सॉफ्ट टच मिलता है यहाँ पे भी, ये बोस की बैजिंग हो गई भाई, बोस का साउंड सिस्टम आता है, बोतल होल्डर हो गया यहाँ पे। ये कुछ भाई बैक सीट है, बैक में भाई इसमें दो हेडरेस्ट दो ही आते हैं, दोनों एडजस्टेबल हैं। बाकी ये भाई इसकी हैंडरेस्ट हो गया, ये हैंडरेस्ट भाई पैक्ड है अभी पॉली में, तो ये पैक पड़ा हुआ है, निकलेगा नहीं अभी। बाकी भाई बीच में मिल जाता है इसमें, यहाँ पे इसमें AC वेंट्स मिल जाते हैं, ये भाई रियर AC वेंट्स हो गए, और इसमें स्मार्ट प्योर एयर
वायरस प्रोटेक्शन भाई, इसमें एयर प्योरीफायर भी मिलता है। ये भाई नीचे इसमें दो टाइप सी सॉकेट मिल जाती हैं चार्ज करने के लिए। ये कुछ भाई इसमें स्टोरेज स्पेस हो गया यहाँ पे। तो ये है भाई, हाँ एक चीज़ भाई किया, टॉप एंड मॉडल है इसमें यार, एडजस्टेबल में सीट बेल्ट होनी चाहिए थी, इसमें सीट बेल्ट एडजस्टेबल नहीं मिलती भाई। ड्राइवर सीट सबसे पीछे हो रखी है, बिल्कुल पीछे। और ये भाई कुछ इसमें लेग स्पेस मिल जाता है, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ और लेग स्पेस ठीक है भाई। ये मैं पीछे से दिखाऊँ तो ये भाई कुछ गाड़ी का मिलता है, फ्रंट काफ़ी अच्छा है भाई। ये भाई अपनी सनरूफ हो गई, बाकी इसमें ब्लैक मिलता है सब कुछ। यहाँ पे भाई एक लैंप मिल जाता है, ये हेलोजन ही मिलता है। तो ये है भाई पीछे से कुछ गाड़ी का व्यू, चलते हैं भाई आगे। भाई पावर की मैं बात करूँ तो गाड़ी में 998 सीसी का चार सिलेंडर पेट्रोल टर्बो इंजन आता है, जो 118 bhp पावर प्रोड्यूस करता है, 172 nm का टॉर्क आता है। पावर भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी में, कोई इशू नहीं है। और भाई इंटीरियर भी गाड़ी का काफ़ी प्यारा है, ब्लैक रूफ है और मतलब पूरा ही ब्लैक इंटीरियर है भाई, और साथ में वाइट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ब्लैक और वाइट का, तो भाई काफ़ी प्यारा लग रहा है इंटीरियर इसका। बाकी पूरा म्यूज़िक सिस्टम बोस का है भाई, तो म्यूज़िक सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, बहुत प्यारी आवाज़ है और भाई गाड़ी में कोई इशू नहीं है, बहुत सही है। ये GT लाइन मॉडल है किया सोनेट का, तो भाई इसका एक शोरूम प्राइस है 14,49,000 रुपये। और अगर इसको ऑन रोड प्राइस में बताऊं आपको फरीदाबाद का, तो भाई फरीदाबाद हरियाणा में ये ऑन रोड पड़ती है 16.5 लाख रुपये की। भाई वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं भाई किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाइयों।